मैं प्रदीप कुमार मीणा, प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं कृषि से रिलेटिव नई से नई अपडेट आपके पास पूछा सकूँ। हम हर प्रोडक्ट की, कृषि से जुड़ी हुई प्रोडक्ट की जानकारी आपको दे सकूँ, किस प्रकार अपनी फसल के उत्पादन को बढ़ाना है, किस प्रकार किस टाइम मतलब कि किस प्रकार सिंचाई करनी है, किस प्रकार कौन सा प्रोडक्ट डालना है जिससे हमारा उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके, हमारी फसल को एक अलग ही ताकतवर प्राप्त हो सके। तो ये सभी बातें ध्यान रखनी है। मैं आज आपको बोरोन के बारे में बताऊंगा, एनपीके 19-19 के बारे में, एनपीके 0-0, 52-34 के बारे में, सागरिका के बारे में। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा बोरोन का क्या यूज है, कैसे क्या वो उत्पादन को बढ़ाता है, क्या इसको स्प्रे किया जाए, क्यों इसका स्प्रे किया जाए फसल के अंदर, ये सभी बातें बताऊंगा। तो हाँ, हम सबसे पहले बात करेंगे कि अब हमारे गेहूं की फसल 60 से 70 दिन की हो चुकी है, कुछ 80 से 90 दिन की भी हो चुकी है कुछ किसानों की। तो गेहूं में अब कुछ बालियां निकलने लग गई हैं, कुछ अब निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हम बालियां निकलने से पहले कुछ दिन पहले मतलब कि बोरोन का स्प्रे कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। इसका कार्य है, बोरोन का कार्य है सबसे मुख्य, जो हमारे ज़मीन के अंदर पहले से ही पोषक तत्व उपलब्ध हैं उनको ये आसानी से मतलब पौधे के पास एकत्रित कर देता है और उनको ग्रहण करवाने का काम करता है, जिससे पौधा अपनी एक मतलब कि जीवन चक्र बना रहता है, भोजन बनाने का और अपना जीवन चक्र बना रहता है पौधे का, जिससे आसानी से भोजन बना लेता है पौधा। और ये दूसरा कार्य इसका परागण की क्रिया को सक्रिय बना देता है, मतलब कि एक निषेचन की क्रिया को, जैसे फ्लावरिंग होती है ना उस टाइम मतलब कि एक परागण की क्रिया होती है मेल और फीमेल के अंदर, तो उस टाइम मतलब ये एक निषेचन की क्रिया को सक्रिय बना देता है, मतलब कि तेज़ी से निषेचन वो परागण की क्रिया होने लग जाती है। और एक मतलब अगर परागण की क्रिया अगर ठीक से हो जाएगी तो हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये बोरोन का सबसे अहम कार्य था। अब हम बात करते हैं 19-19 एनपीके की। एनपीके क्या है कि इसके अंदर पोटास है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और ये एक पौधे को अलग ही ताकत प्रदान करता है, मतलब कि एक फसल हरी भरी बनी रहती है और पीलापन नहीं आने देता है। तो एनपीके मतलब कि हरापन लाता है फसल के अंदर, तो हम इसको अपने गेहूं के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब बालियाँ स्टार्ट हो जाएंगी आना, तो एक मतलब कि फसल को अलग ही ताकत प्रदान करेगा। ये अलग अलग कंपनी की अलग अलग प्राइस हो सकती है मार्केट के अंदर, ये 150 से 170 रुपये के बीच में मिलेगा आपको, जो बहुत ही शानदार रिजल्ट है इसका। अब मैं बात करता हूँ एनपीके 0-0, 52-34 की। एनपीके 0-0, 52-34 क्या काम करता है, इसका भी हम स्प्रे करेंगे और इसका स्प्रे उसी टाइम करेंगे जब बालियाँ निकलना प्रारंभ हो जाएंगी गेहूँ के अंदर। तो गेहूं के अंदर बालियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, ज़रूरी हम गेहूं में इसका इस्तेमाल करें, हम किसी भी प्रकार की फसल के अंदर यूज कर सकते हैं, बागवानी कृषि के अंदर भी यूज कर सकते हैं, कोई फ्रूटिंग्स वाले पौधों के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है कि मतलब कि फल का या किसी भी फल का एक साइज बढ़ा देता है ये 0-0, 52-34। तो इसका हम बालियां आना स्टार्ट हो जाएंगे जब इसका स्प्रे करेंगे, और ये भूण पोष के दौरान ही इसका स्प्रे करना है हमें 0-0, 52-34 का। तो ये क्या है कि बालियाँ थोड़ी मोटी हो जाएंगी इसके स्प्रे करने से, और एक दाना मतलब अच्छा भरवल टाइप में प्राप्त होगा हमें बालियों के अंदर, एक भराव टाइप में जो दाना एक मोटा आकार में मतलब साइज में थोड़ा मोटाई में थोड़ा ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें 0-0, 52-34 का स्प्रे करने से ये फ़ायदा मिलेगा कि वो प्रोडक्ट को बढ़ाने का काम करेगा, मतलब साइज में परिवर्तन कर देगा। ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइस मिलेगी 0-0, 52-34 की एनपीके की। और इसका मैंने अभी यूज करना बताया कब क्या करना है, और लगातार जब हमारी फसल यहाँ गेहूँ के अंदर जब बालियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी तो उस टाइम हमें मतलब कि नमी बनाए रखना आवश्यक है खेत हमारे खेत के अंदर, क्योंकि नमी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नमी के पानी सही तरीके से सिंचाई नहीं कर पाए तो हमारी फसल कमज़ोर हो जाएगी और हमें कहीं ना कहीं उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इसी के साथ मैं सागरिका की बात करता हूँ। सागरिका का भी स्प्रे कर सकते हैं हम हमारे गेहूँ की फसल के अंदर, और गेहूँ के अलावा किसी भी प्रकार की फसल में हम सागरिका का यूज़ कर सकते हैं। ये सागरिका का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है कि ये पोषण को, मतलब कि पौधे को भोजन ग्रहण करवाने का काम करता है। मतलब कि पौधा, मतलब इसके स्प्रे करने से एक सही तरीके से भोजन बनाता है और उसको आसानी से ग्रहण कर लेता है, जिससे उसका जीवन चक्कर चलता रहता है। अगर मान लो कि अगर पौधा अगर भोजन नहीं बना रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा है, तो पौधा थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगी हमारी फसल। सीधी सी बात, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे ऊपर ले लो, अगर हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से पौधा भी अगर भोजन नहीं बनाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो कमज़ोर पड़ जाएगी हमारी फसल। तो ये सागरिका का इम्पोर्टेंट कार्य होता है कि भोजन ग्रहण करवाना, एक मतलब कि जीवन चक्र को लगातार बनाए रखना। अब सागरिका कुछ किसान भाइयों की ये थे कि हम भाई थोड़ी लागत, थोड़ा खर्चा ज़्यादा बैठ जाता है इतने प्रोडक्ट यूज़ करने से, सागरिका का क्या करेंगे सागरिका। तो देखो किसान भाइयों, हमारी क्या है कि कोई छोटी सी लापरवाही की वजह से अगर हमारी पूरी साल की मेहनत अगर बेकार चली जाए, तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा खर्चा और उठा लें, जिससे ये तो निश्चित है कि इन प्रोडक्ट का यूज करने से उत्पादन में तो बढ़ोतरी होगी, 100% शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा खर्चा और उठाकर हम हमारे उत्पादन को बढ़ा लें, क्योंकि पूरी साल की मेहनत ख़राब करने से तो अच्छा है। अब सबसे अहम रोल है कि इसके अलावा हम अन्य खाद भी डाल सकते हैं, जो जैसे कि मान लो हमारी फसल थोड़ी कमज़ोर, मतलब पीली पड़ रही है, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे भाई, नाइट्रोजन की कमी से पीली पड़ेगी फसल, तो नाइट्रोजन की कमी है तो हम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम इसके लिए दानेदार यूरिया का यूज कर सकते हैं। यानी फिर सबसे अच्छा रहेगा आप नैनो यूरिया यूज करें, तो नैनो यूरिया का अगर स्प्रे करोगे तो बहुत ही शानदार रिजल्ट हमने यूज करवा के देखा है नैनो यूरिया का। और इससे क्या है कि नैनो यूरिया का अगर आप स्प्रे करोगे अपने गेहूँ की फसल के अंदर, तो आपकी फसल एक अलग ही निखार आएगा आपकी फसल के अंदर, और काले पड़ जाएंगे बिल्कुल आपके गेहूँ, और मतलब कि शानदार रिजल्ट है नैनो यूरिया का। यह क्या है, सीधा पत्तियों के माध्यम से पौधा नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, और जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बना लेता, नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता डायरेक्ट। एक दानेदार से क्या, जड़ के माध्यम से पत्तियों तक, डायरेक्ट पत्तियों के माध्यम पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो डायरेक्ट पत्तियों के द्वारा ये ग्रहण कर लेगा नाइट्रोजन। तो ये सभी बातें ध्यान रखने। इस प्रकार हम अब 0052-34 NPK के जो अनदाता कंपनी का भी आता है, उत्तम का भी आता है, श्रीराम का भी आता है, तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रेट प्राइस मिलेगी आपको मार्केट के अंदर। तो ये सभी मैंने अभी आपको बताए प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए। और सभी किसान भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल की तरफ से। और आप, मैं तो भगवान से यही कामना करता हूँ कि आप अपने घर पे सभी खुशी मंगलम रहें और खुश मंगलम रहें और अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत करें और घर के अंदर खुशी बनी रहे और आप अपने लक्ष्य में लगे रहें। और आप, मैं फिर से प्रदीप किसान मित्र यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद करता हूँ सभी किसान भाइयों को।